वैसे तो कहने के लिए निसान और रेनो एक दूसरे की सब्सिडरी हैं, लेकिन जब भारतीय बाजार की बात आती है तो दोनों एक दूसरे को चुनौती देती नजर आती हैं। यानी कि गलाकार प्रतिस्पर्धा में दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहती हैं। कैसे बताता हूं, जब भारतीय बाजार में रेनो ने रस्टर को उतारा तो निसान ने अपनी टेरानो को इंट्रोड्यूस कर दिया, और जैसे ही कोइड आई वहीं पर आ गई निसान की तरफ से रेडिगो। और जैसे ही अब निसान ने मैग्नाइट के जरिए भारतीय बाजार में बड़ा तहलका मचाया तो रेनो ने क्या किया, काइगर को इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको इस वीडियो में क्या पता चलेगा, मैं आपको देने वाला हूं एक कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों के बारे में, यानी कि ये वीडियो होगा काइगर वर्सेस मैग्नाइट। अगर आप जानना चाहते हैं कि काइगर में आपको क्या क्या चीजें अलग मिलती हैं या फिर मैग्नाइट क्यों है खास, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी जरूर साझा करिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और अपना सहयोग मुझे दें, जिससे मैं और ऐसी वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काइगर के डिजाइन की, और यहां पर जो आपको नजर आने वाला है तो जो ये एलईडी डीआरएल दिख रहा है, टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, इसमें फॉग लैंप पे मिसिंग मिलने वाला है आपको। जो पूरा डिजाइन है क्विड से मिलता जुलता काफी कुछ आपको नजर आएगा इस काइगर का, और जो ये अंदाज इसमें दिया गया है हेडलैम्प का, ये पूरा एलईडी सेटअप है, आपको बहुत खूबसूरत लगेगा और एक अलग तरीके का इसमें प्रयोग किया गया है। हालांकि यहां पर फॉग लैंप नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप इसे दूर से देखेंगे तो पूरा एक क्विड का भाई नजर आता है। और ये चीज हो सकता है आपको खाली कि ऐसा क्यों है, लेकिन पूरा जो अंदाज है इसमें आक्रामकता बढ़िया से नजर आती है इस काइगर में, और ये मैग्नाइट से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो अब बात कर लेते हैं निसान मैग्नाइट की, और यहाँ पर आपको रेडिको वाली छवि नजर आती है। जिस तरीके से उसमें डीआरएल का पैटर्न दिखता है इसमें भी दिखेगा, क्रोम का बढ़िया इस्तेमाल दिखेगा, इसकी आक्रामकता इसके ग्रिल से सामने आती है और खूबसूरत बनाता है इसे, इसमें जो दिया गया है निसान का नया लोगो। हेडलैम्प की बात करें तो पूरा का पूरा एलईडी सेटअप मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे आपको काइगर में मिलने जा रहा है, लेकिन जो इसका पूरा का पूरा छवि है एक बढ़िया एसयूवी के तौर पर लोगों को अब तक पसंद आई है और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा सराहा है, क्योंकि जो अंदाज इसमें निसान ने दिखाया है वो कहीं ना कहीं से लोगों के उस जगह तक अपना घर कर पाया जहां पर भारतीय ग्राहकों की जहां बात की जाती है कि उनको ये पसंद आता है। तो इसकी आक्रामकता में आपको कोई कमी नजर नहीं आने वाली है, और जिस तरीके से डिजाइन का जो भाषा इस्तेमाल किया है निसान ने अपनी मैग्नाइट में, वो हर किसी की जुबान बनता जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं काइगर के साइड प्रोफाइल की, और यहाँ पर जो मिलने वाला है वो अलग अंदाज में है। हालांकि जो ये आप देख रहे हो ये कोई बॉडी सील नहीं दिया गया है, ये सिर्फ एक ग्राफिक्स एक स्टिकर इस पर लगाया गया है, चिपकाया गया है। और इसकी जो लंबाई है ये है 3991 मिलीमीटर, चौड़ाई है 1750 मिलीमीटर, और जो हाइट है इसकी है 1600 मिलीमीटर। तो ऊंचाई के मामले में ये ज़्यादा ऊंची है मैग्नाइट की तुलना में, लेकिन जब और चीज़ों का जिक्र करेंगे जैसे लंबाई चौड़ाई तो उसके मामले में उससे छोटी है। बाकी आपको पूरा जो ये गाड़ी मेरे साथ खड़ी है इसमें आप देख रहे हैं कि ड्यूअल टोन है, तो एक कलर नीचे है और पूरा जो ड्यूअल टोन वाला पूरा वाला ऊपर हिस्सा है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में अच्छा लगेगा। और जो ये आपको मिलता है यहाँ पर ORPM, ये टर्न इंडिकेटर्स पर दिए गए हैं और ये अलग अंदाज में आपको अच्छे लग सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने किया था तो मैंने वहीं से उठा लिया है फुटेज, तो आप मुझे थोड़ा देख पा रहे हैं, लेकिन ये मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ये वॉइस ओवर है और बाकी कुछ जो आपको नहीं, क्योंकि ये RXZ वेरियंट है इस पर दिया गया है और खूबसूरत लगता है। और इसमें जो व्हील की अगर बात करें तो इसमें 16 इंच के आपको एक जबरदस्त अंदाज वाले ड्यूअल टोन अलॉय व्हील मिलते हैं जो कि खूबसूरत इसमें दिख रहे हैं, और मुझे लगता है जो और वेरिएंट आएंगे उसमें भी इसको ये कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नाइट के भी जितने वेरिएंट है उसमें एक ही तरह का ये पूरा का पूरा दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो अंदाज है इसका साइड से देखने पर एसयूवी की आक्रामकता को दिखाता है। 40 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है और ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में ही अवेलेबल होगी भारतीय बाजार में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं निसान मैग्नाइट की, और ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में दिया गया है और दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यहाँ पर भी आपको ड्यूअल टोन एक अलग अंदाज वाला अलॉय मिलता है, जिसका भी जो साइज है आपको 16 इंच का इसमें भी मिलता है, 16 इंच आपको काइगर में भी मिलता है। तो ये एक समानता नजर आने वाली है, और जो व्हील आर्च आप देखोगे तो ये लगेगा कि अगर गाड़ी ना देखो इन दोनों को देख लोगे लगेगा कि एक जैसे ही दे दिए गए हैं, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव करने की कोशिश नहीं की गई है। और एक समानता जो और आपको नजर आएगी इसमें वो ये है 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस। आपको निसान मैग्नाइट का ग्राउंड क्लीयरेंस भी 205 मिलीमीटर का मिलेगा और रेनो काइगर का भी ग्राउंड क्लीयरेंस 205 मिलीमीटर का मिलने वाला है। इसमें भी ORPM पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और ये भी आप रिमोट से बंद कर सकते हैं और खुल सकता है। इसमें भी रूफ रेल मिलता है और काइगर में भी आपको रूफ रेल मिल जाते हैं। तो
एक समानता आपको नजर आ रही होगी, लेकिन जो अंदाज ऊपर से ये देखोगे तो आपको एक बेसिक नजर आएगा, लेकिन जो काइगर है वो थोड़ा प्रीमियम दिखती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मैग्नाइट में आपको वो अंदाज नजर नहीं आता जो आपको काइगर में दिख रहा है, और परफेक्ट एसयूवी के तौर पर तो हो सकता है कि ये बात काइगर के फेवर में जाए, लेकिन निसान मैग्नाइट को अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और एक चीज और बताता चलूं, यहाँ पर लंबाई के मामले में मैग्नाइट काइगर से ज़्यादा लंबी है। इसकी जो लंबाई है कुल 3.94 मिलीमीटर है, और जो चौड़ाई है 1758 मिलीमीटर है, और जो ऊंचाई है 1572 मिलीमीटर है, जो कि ऊंचाई के मामले में मैग्नाइट काइगर से पीछे रह जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काइगर के इंटीरियर की, और इसे मैंने अपना जो फुटेज उठाया है वहीं से उठाया है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब आप इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करोगे तो इसमें क्या मिलता है। तो जो इसका फैब्रिक है ये बहुत अच्छा लगेगा, ये मैग्नाइट से आपको ज़्यादा प्रीमियम दिखेगा, और जो पूरी की पूरी व्यवस्था दी गई है वो आपको ज़्यादा सुपीरियर लगती है काइगर में। हालांकि यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखेगा कि जो थाई सपोर्ट है उतना अच्छा नहीं जितना आपको मैग्नाइट में मिलता है। हालांकि यहाँ पर एसी वेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नजर नहीं आएगी जो आपको मैग्नाइट में मिल जाती हैं। वो ऐसी चीजें हैं बहुत ही बारीक हैं जो आपको समझ नहीं आएगा, और ये जो अंदाज जो यहां पर बटन दिया गया है ये आपको मैग्नाइट में ज्यादा बेहतर दिखता है, काइगर में उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन और जो आपको टच एंड फील मिलता है काइगर में वो इंटीरियर में ज्यादा बेहतर मिलेगा। यहां पर भी आर्मरेस्ट मिल जाता है, और आपको मैग्नाइट के भी टॉप वेरियंट में आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ मिल जाते हैं, और सीट भी सीट हेडरेस्ट जो दिया गया है बैक वाला वो भी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज है जो यहां पर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मैग्नाइट में नहीं मिलता है। तो एक अगर आप देखेंगे ध्यान से इन दोनों के इंटीरियर को तो काफी समानता नजर आने वाली है मैग्नाइट और काइगर में। और आइए अब आपको दिखा देते हैं निसान मैग्नाइट का रियर सीट का पूरा हाल। तो यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है दो कप होल्डर के साथ में, और आपको जो ये फैब्रिक मिलता है थोड़ा अलग मिलेगा, और काइगर में ये ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है, और मैंने बैठ के एक्सपीरियंस किया अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो आपको हेडरेस्ट मिलता है इसका अंदाज भी थोड़ा बदला मिलेगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही मिलेंगी आपको जैसा कि आपको काइगर में अभी आपने देखा। तो ये पूरा अगर एक सिमिलरिटी देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है एक जैसा काइगर और मैग्नाइट के रियर बेंच पर। तो आइए अब एक नजर मार लेते हैं काइगर के इंटीरियर में यानी कि फ्रंट सीट पर, और आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, और स्टीयरिंग व्हील पर आपको क्रूज कंट्रोल के बटन नहीं मिलेंगे, MID एक्सेस करने का पूरा बटन दे दिया गया है हालांकि। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वो नहीं मिलती हैं जो आपको मैग्नाइट में मिलने वाली है। तो पहले बात करते हैं काइगर की, तो काइगर में आपको जो पूरा का पूरा कंट्रोल मिलता है वो इस अंदाज में मिलेगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाया पूरा क्योंकि मेरे पास समय चाबी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलो ये एक समानता मतलब ये भी LED है पूरा का पूरा, तो एक समानता नजर आएगी। और दोनों का स्टीयरिंग व्हील मुझे काफी हद तक एक जैसा लगा, लेकिन जब आप मैं इसे चलाऊंगा तब इसके बारे में और बताऊंगा कि फीडबैक एक दूसरे से कितना भिन्न है, क्या ये उससे ज्यादा बेहतर लगती है। बाकी सब कुछ वही आपको मिलने वाला है, हालांकि इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे ज्यादा बेहतर लगता है मैग्नाइट का। काइगर में आपको एक नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, लेकिन पूरा का पूरा जो बटन दिया गया है यहां से भी एक समानता मैग्नाइट में और काइगर में आपको दिखेगी। और जहां पर आपको ये ट्रांसमिशन मिल रहा है यहां पर भी एक समानता नजर आएगी, हालांकि यहां पर यूटिलिटी स्पेसेस के रूप में उसे देने की कोशिश की है काइगर में, लेकिन काफी कुछ एक जैसा है। और ये आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, इसके नीचे भी सामान रखने की जगह मिल जाती है। और अभी आगे दिखाऊंगा कि आपको मैग्नाइट में क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो इसमें आपको ये जो मिल रहा है थोड़ा सा समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा दिया गया है, क्योंकि इसे आप बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे, बाकी आपको बहुत कुछ एक जैसा मिलने वाला है। और लेकिन ये वाला ड्राइव बोर्ड यहां पर इस अंदाज में दिया गया है, तो ये भी आपको समझ में आएगा ये कैसे काम करता है जब इसको ड्राइव करेंगे, फर्स्ट ड्राइव करेंगे तो इसका एक्सपीरियंस करके आपको बताएंगे। USB पोर्ट वगैरह मिल जाता है, यहीं पर स्टार्ट स्टॉप बटन उसी अंदाज में मिल जाएगा, और ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट भी आपको एक बड़ा मिल जाता है जहां पर आप ढेर सारे सामान वगैरह यहां पर रख सकते हैं, और ये बहुत व्यवस्थित अंदाज में यहां पर दिया गया है। दरवाजे पर सामान रखने की अच्छी जगह मिल जाती है, सीट की कुशनिंग आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, क्योंकि जो अंदाज दिया गया है यहां पर वो अलग सा है, और जो स्टिचिंग दी गई है वो एक अलग रूपरेखा यहां पर प्रदर्शित करती है, और ये अच्छा लगता है जब आप इसे छूओगे तो आपका टच एंड फील बहुत मजेदार लगने वाला है, एक्सपीरियंस जरूर करिएगा जैसे ही ये गाड़ी आएगी। बाकी सब कुछ वही चीजें मिलेंगी जो आपको मैंने जिक्र किया पहले भी, आपको इसका वॉक अराउंड ऑलरेडी करके दे चुका हूं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं मैग्नाइट।
तो मैग्नाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप क्या मिलेगा देख लीजिए, क्रूज कंट्रोल यहाँ मिल जाता है जो कि मिसिंग है काइगर में। क्यों मिसिंग है नहीं पता, निसान का बढ़िया अंदाज यहाँ पर दिखेगा और ये मुझे उस काइगर से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बहुत सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और कुछ चीज़ें आपको दिखती तो काइगर जैसी हैं लेकिन इसमें अलग पैटर्न में दिया गया है, तो जब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है जो कि वहाँ पर इस अंदाज में नहीं दिया गया है जो इस यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा प्रीमियम दिख रहा है मैग्नाइट में, और ये मुझे लगता है कि जो फ्रंट सीट है, फ्रंट वाला डिज़ाइन है, आपको मैग्नाइट का थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग सकता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता है कि पूरे नंबर्स क्या हैं, लेकिन मुझे जो काइगर में दिया गया है एसी वेंट उससे बेहतर मैग्नाइट का, क्योंकि लैम्बोर्गिनी स्टाइल दिया गया है तो अपनी आंखों में बस जाता है। यहाँ पे भी आपको वायरलेस चार्जर की सुविधा मिलती है और आपको काइगर में भी मिल जाती है, ये अच्छी बात है। तो इस कुछ समानताएँ आपको मिलने वाली हैं जो कि एक दूसरे की पूरक बनेगी, और मुझे लगता है कि ये दोनों गाड़ियाँ कहीं ना कहीं एक जैसी आपको नजर आएगी अगर आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन अगर इनके चलाने में कोई फर्क हुआ तो वो तब पता चलेगा जब हम इसे ड्राइव करेंगे, लेकिन बहुत जल्द इसका ड्राइव करके आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगर इंजन की बात करें तो आपको बता दूं इन दोनों ही गाड़ियों में, काइगर और मैग्नाइट में, एक चीज जो कॉमन है वो है इंजन। इन दोनों में ही आपको 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 72 PS की शक्ति और 96 NM का टॉर्क देता है। जो दूसरा इंजन मिलता है वो टर्बो है और ये भी 1 लीटर का है जो देता है 100 PS की शक्ति और 160 NM का टॉर्क। लेकिन एक आपको अच्छी चीज़ मिलने वाली है ये कि नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में काइगर में आपको ऑटोमेटिक का विकल्प मिल जाएगा जो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आएगा, लेकिन आपको मैग्नाइट में CVT के साथ टर्बो मिलता है और मैनुअल के साथ में ही नेचुरली एस्पिरेटेड आता है। तो ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। हालांकि काइगर चलाने में कैसी होगी, इस इंजन के साथ कैसे परफॉर्म करेगी, इसका आइडिया तब पता चलेगा जब हम इसको ड्राइव करेंगे। लेकिन हमने मैग्नाइट को चलाया है, आपको बता सकता हूँ 1 लीटर टर्बो CVT के साथ एक बहुत धमाकेदार प्रस्तुतिकरण है। भारतीय बाजार में हर कोई इस इंजन को पसंद कर रहा है। हालांकि नेचुरली एस्पिरेटेड को अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया है, लेकिन जो थोड़ा चलाया था उसमें एक फील आया था कि सिटी कंडीशन के लिहाज से नेचुरली एस्पिरेटेड को भी आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैग्नाइट का टर्बो धमाका बहुत ही मज़ेदार है। और उम्मीद है कि काइगर में कुछ ऐसा ही ये कर दिखाएगी। जब ये हमें चलाने को मिलेगी हम आपको बताएंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि मैग्नाइट की कीमत जो शुरू हुई थी 4,99,000 रुपए से शुरू हुई थी और इसके टॉप वेरिएंट की भी कीमत 10 लाख के अंदर रखी गई थी, लेकिन अभी रेनो काइगर की कीमत नहीं आई है और सब कुछ निर्भर करता है कि काइगर की सफलता क्या होगी, वो इसकी कीमत तय करेगी। अभी इसकी कीमत नहीं है लेकिन बहुत जल्द इसकी कीमत आएगी और आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी कभी चैनल सब्सक्राइब करके रखें। लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इस कंपैरिजन टेस्ट में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जो सबसे पहले गाड़ी मुहैया करवाएगा यानी कि ग्राहकों को दे देगा वही यहाँ का विनर होगा। बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड भारतीय ग्राहकों को पसंद नहीं आता है जो कि मैग्नाइट का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और अब देखना होगा क्या रेनो काइगर का वेटिंग पीरियड भी ऐसा ही होने वाला है, काइगर सबको मैग्नाइट से जल्दी मिल जाएगी। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आपके लिए अलग अलग वीडियोज़ मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। अगर और कुछ जानना है, जुड़ना चाहते हैं, सीधे सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.devidi। सवाल करें, सारे जवाब ले जाएँ।